नमस्ते एंड अ वेलकम यू ऑल टू आन स्टॉक्स यू पी एस सी दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आर कॉम्प्रेंशन थ्रू पी वाई क्यू सीरीज जिसमें वी आर ट्राइंग टू गेट एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट एक्यूरेसी इन आर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जिससे अराउंड ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट क्वेश्चन अराउंड पूछे जाते हैं सी साइड ठीक है सो हमने अभी तक ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बाई यूजिंग दिस रूल्स इनको आप एक टाइप से कंसेप्ट भी कह सकते हैं जो कि डिजाइन करे गए हैं बाय एनालाइजिंग द प्रीवियर क्वेश्चन ठीक है सो हमने इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करा है इनको मैंने लेक्चर नंबर वन में अच्छे से समझाया था तो ज, जिनने लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है वो देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक डाल दूँगा ठीक है अगर आपको कंप्लीट सी साइड स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो इसमें मैंने बताया है इ, इस वीडियो में मैंने बताया है पूरे स्ट्रैटेजी भी बताई है और सोल्यूशन भी बताएं कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सी साइड की ठीक है सो अगेन अपडेट्स एंड सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए ये जो कॉम्प्रिहेंशन की जो सीरीज सैलरी है इसके सोल्यूशन पी डी से अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो वी विल बी फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वेन आई से पॉज द वीडियो यू पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दैम एंड फिर मैं सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ वैसे तो मैं पी पहले भेज देता हूँ मतलब क्वेश्चन पेपर की टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दी थी बट ठीक है जिसके पास नहीं भी है इसको पॉज करो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करो अभी के अभी ठीक है और उसके बाद मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलूंगा आपको ठीक है पॉज द वीडियो सॉल्व आई होप आपने सॉल्व कर रहा होगा अब देखो ये जो पैसेज नंबर वन था देखो यार मुझे ऐसे पैसेज ना बड़े अच्छे लगते हैं क्यों एक तो ईजी पैसेज था और दो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे थे फाइव मार्क्स इजली ठीक है सो दिस फॉर दिस दिस पैसेज वॉज अबाउट फॉजल फ्यूल्स की डेवलप कंट्रीज अब फिर भी रिसाइक्लिंग और उन पर ध्यान दे रही है पर डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी दिक्कतें हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है इन सब चीज़ों की हाई कॉस्ट होती है ठीक है ये सब चीज़ें बताया गया है तो डेवलप कंट्रीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए ठीक है अब देखो यार इनमें क्वेश्चन में, में ना और ये पिछले एक दो साल से हो रहा है हम देखेंगे 2022 एंड ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर में जो फैंसी वर्ड्स होते थे ना जैसे अजमशन इन्फेरेंस तो ये सब थोड़ा कम हुआ है पूछना जैसे 2021 के पेपर में तो पूरा अजम्पशन अजम्पशन पूछा हुआ था पर इनने सिंपल सा पैसेज में पूछा हुआ है कि अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न ज ड्यू टू विच ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी हो रही है प्रोडक्शन पैटर्न में क्यों हो रही है अब देखो हैवी सीधा, -सीधा पैसेज में दिया है और देखो पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना होता है ठीक है so, सो ये चीज तो दी है ये ठीक है उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे ये भी दिया हुआ है कि एक टाइप से रिसोर्स ये सब लिमिटेड होते हैं उसके बाद देखो एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकिलिंग भाई गलत यहाँ पे लिखा तो है कि एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग मतलब ये सब तो कम कर रही है ये सब चीज़ें मतलब डेवलपिंग कंट्रीज रिसाइकलिंग पर ध्यान दे रही है ताकि इन सबके इफेक्ट कम हो पाए ठीक है तो ये तो अगेंस्ट लॉजिक जा रहा था तो आपका आंसर सीधा यहाँ पे वन टू आ रहा था अब मुझे एक चीज बताओ अगर यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट ओनली थ्री इज करेक्ट या नन ऑफ द इज करेक्ट अगर होता तो भी आप सॉल्व कर लेते ना ये दोनों स्टेटमेंट अलग से दिख रहे थे कि सही है और ये अलग से ही गलत दिख रहा था हमने इस सीरीज में यही सीखा है कि जो गलत स्टेटमेंट होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं ठीक है सो अगेन क्वेश्चन नंबर टू इसी पैसेज से था अब यहां पूछा है कि जो डेवलप कंट्रीज है दे कैन सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मतलब ये कैसे इस ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं सो मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट येस ऑब्वियसली अगर लो कॉस्ट में होगा क्योंकि अभी हमारी कॉस्ट ही तो ज्यादा है ना अगर लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा तो सही में हम ट्रांजिशन कर पाएंगे सेकेंड प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट येस अगर यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में इन सबके लोन्स मिल जाए तो हम सोच सकते हैं इन सब चीज़ों पर ट्रांजेक्शन करना ठीक है, है? बट ये थर्ड स्टेटमेंट देखो अलग से गलत दिख रहा है कि एनकरेजिंग दिम टू चेंज द प्रोडक्शन एंड कंजन पैटर्न मतलब यार आप ये कोई सोल्यूशन होता है क्या अगर कुछ दिक्कत है तो अपने एक टाइप से प्रोडक्शन पैटर्न ही बदल दो ठीक है ना तो ये पहली बात नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट होता है और किसी कंट्री की सोवरिटी का क्या वो भी तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ये स्टेटमेंट गलत था इसका आंसर यहाँ पे वन टू था अगर न अगर अगले बार ऐसा पैटर्न यहां पे बदल दिया बदल दिया जाए तो ओनली टू स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाता है जैसे अभी तक जीएस में हुआ है क्या पता अगले साल यहां भी हो जाए ठीक है नेक्स्ट सो अब है ऐसा कि आधा पैसेज इस पेज में आधा पैसेज अगले पेज में सो पहले पॉज करो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो आई होप आपने पढ़ा होगा अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ सो so, यहां से यहां तक का भी पढ़ लो एक बार इसको एक बार पीछे आगे करके पढ़ लेना और ये क्वेश्चन है ठीक है इसको सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर थ्री को ठीक है पॉज द वीडियो एंड सॉल्व आई होप आपने सॉल्व करा होगा चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं देखो पैसेज किस चीज़ के ऊपर था फॉरेस्टेशन के ऊपर था कि हमें ए फॉरेस्टेशन पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जितना जिस हिसाब से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उससे एक तो आगे जाके एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल सा हो जाएगा काइंड kind ऑफ of, और डेजर्ट कंट्रीज एक टाइप से यही कहा गया है कि डेसर्टिफिकेशन और ये सब बढ़ सकता है जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर सतला गंग गंगा प्लेन्स का कि एक टाइम पर यहाँ पर पूरी ग्रीन ग्रीन रहती थी पर अब ज़्यादातर एरिया एक टाइप से यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है बहुत कम टाइम पर मिलता है जैसे कि रेनी सीजन यही पैसेज है बेसिकली ठीक है ना अब देखो यहाँ पे क्या पूछा पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अवॉक डिफोरेस्टेशन एंड विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ना डिप्लीशन ऑफ सॉइल बोला तो पीछे ये बोला तो गया है कि एग्रीकल्चर आगे जाके दिक्कत हो जाएगी इम्पॉसिबल्स हो जाएगा तो यहाँ पे ये सॉइल रिसोर्स एक टाइप से डिप्लीट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला देख लो पहले कि लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन यस यही तो बोला गया है कि पानी की कितनी कमी हो गई है ठीक है ना जो प्लेन्स पहले पूरे ग्रीन ग्रीन रहते थे वो अब एक टाइप से पूरा सूखा पड़ा हुआ है वहां पर या देखो, यार देखो शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन यार देखो कॉमन मैन के लिए लैंड की तो शॉर्टेज होगी नहीं इवन पेड़ कटते जाएंगे तो कॉमन मैन के लिए तो लैंड ज्यादा ही ज्यादा होता जाएगा पर यह है कि भाई खाओगे क्या तो यह शॉर्टेज ऐसे लैंड की तो नहीं होगी और ये इलॉजिकल है कहीं पैसेज में भी नहीं था इसका आंसर भी यहाँ पे बनकरी था ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा गलत स्टेटमेंट आपको अलग से ही दिख जा रहे होंगे अगर आप अभी तक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो तो चलो अब आगे चलते हैं वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई एम जस्ट गेटिंग मैथ सॉल्व नहीं कर रहे सो so, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर ये दो पैसेज हैं और क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड ट्वेल्थ आप इसको सॉल्व करिए पॉज द वीडियो रीड द क्वेश्चन सॉल्व दम एंड देन आई गो टू द सॉल्यूशन आई होप आपने सॉल्व करा होगा तो चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं सो so, यहाँ पे देखो ये वाला पैसेज का कह रहा था कि भाई जैसे कि हम शू मेकिंग को ऐसे ही इंसान को देते हैं जिसको शू बनाना आता है वैसे हम पॉलिटिक्स को ऐसे किसी को कैसे दे देते हैं कि जो वोट गेन कर पाएगा वो पॉलिटिक्स में अच्छा होगा ऐसा थोड़ी होता है ठीक है ना जैसे हम फिजिशियन

पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम फ्राम दोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज मैं कहना चाहूंगा अगर आपने बी या सी में से कोई आंसर चूज कराए तो ठीक है ये दोनों कंफ्यूजिंग से थे और देखो यार यही होता है पैसेज में कभी कभी ऐसा होता है कि दो स्टेटमेंट दोनों सही लग रहे होते हैं ठीक है ना और ये भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है देखा जाए तो पर पैसेज के हिसाब से ये ज्यादा सही जा रहा था कि वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बेरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस ठीक है सो अगर आपने बी भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है हमने नाइनटी परसेंट एक्यूरेसी की बात करी है सो यहाँ पे इसका आंसर वैसे सी था एंड डी वाला देखो कि एज वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन मतलब भाई गलती से हमने गलत इंसान को वोट दी दे दिया तो आगे जाके क्या उसकी अथॉरिटी हम वही नहीं कर सकते क्या गलत तो एक टाइप से ये कहीं पैसेज में लिखा भी नहीं था ठीक है सो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा पैसेज था मुझे पढ़ के अच्छा लगा पोवर्टी लाइन के ऊपर था कि हम डिसाइड करते हैं कि हु इज पोअर पुअर डिपेंडिंग ऑन इनकम पोवर्टी पर देखो इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे उसकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं ठीक है ना उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं मिल रही बाकी चीज़ें ये सब भी देखनी होती है ठीक है अब देखो कैसे बनाए जाते हैं गलत स्टेट में देहर एस यहाँ पर पूछा है कि जो ये मेथेडोलॉजी है अडोप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर ये डिवेटेबल क्यूअर ठीक है देखो यार ऊपर पैसेज क्या बताना चाह रहा है कि इनकम को ही सिर्फ वो नहीं मानना चाहिए पोवर्टी का अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के ठीक so, है सो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि देयर इज सम कंफ्यूजन और देखो अगर आप स्किप कर रहे हो ना ये वाला पार्ट जो मैं समझा रहा हूँ गलत स्टेटमेंट तो आप गलत कर रहे हो क्योंकि आपको समझना यही है कि गलत स्टेटमेंट कैसे फ्रेम हो रहे हैं सही स्टेटमेंट तो आप चलो एक बार को पहुंच जाओगे पर अगर आप ये एलिमिनेट करना सीख गए ना कि गलत स्टेटमेंट ऐसे दिखते हैं यही एक्सप्लेनेशन है जो आपको स्किप नहीं करनी है ठीक है बता दे रहा हूँ जस्ट इन केस तो देयर इज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वॉट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन देखिए कन्फ्यूजन थोड़ी है यार कोई सब तो पैसेज में लिखा ही नहीं गया है कि देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज के वजह से कहीं लिखा है पैसेज में कि इंडिया की वाइड डाइवर्सिटी की वजह से हम पॉवर्टी वो नहीं कर पा रहे ढंग से मेजर ऐसा थोड़ी है एंड देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टेप भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं करी है और वैसे भी इंडियन पॉवर्टी की बात चल रही है यहाँ पे इंडियन पॉवर्टी लिखा तो यहाँ पे वाला स्टेटमेंट सही हो रहा था इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पोवर्टी मीगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी यही तो मैं बोल रहा था कि हम सिर्फ इनकम पे ध्यान देते जब हम पोवर्टी को कैलकुलेट करते बाकी चीज हम इग्नोर कर देते हैं तो ये इसका सीधा सीधा आंसर हो रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसी से रिलेटेड है अगले दो क्वेश्चन तो मतलब यार मैं तो बोलूँगा ऐसे पैसे जो होते हैं ना जिससे तीन क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है ना इनको तो बिल्कुल भी मत वो करना भले ही इसको पढ़ने में भले ही इसको पढ़ने में आपको तीन से चार मिनट लग जाए दे देना क्योंकि अगर आपने तीनों क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स मिल रहे हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द अब देखो यार मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिया पढ़ने का चलो एक काम करता हूँ दे देता हूँ इन दोनों को भी सॉल्व कर लो एक काम करो पॉज द वीडियो आपने पैसेज पढ़ लिया इन दोनों को भी सॉल्व कर लो एक का आंसर तो चलो आपको दिख गया था बट स्टिल चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ सो वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली सॉरी वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर मतलब ये जो हमने पीछे बात करी कि इनकम पोवर्टी सिर्फ एक मेजर ही क्यों है ठीक है ना अब देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूं गलत स्टेटमेंट अदर डिप्रीवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैज नथिंग टू डू विथ लैक ऑफ परचेसिंग पावर भाई इलॉजिकल सा स्टेटमेंट नहीं है कि अदर डिप्रीवेशन का कोई वही नहीं होता है परचेसिंग पावर से तो यह गलत होता है ठीक है अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे और अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको ये दो तीनों सही लगेंगे ठीक है बट कभी कभी यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि देखो इनकम पोवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन ये भी सही बात है पर एटलीस्ट पैसेज में ऐसा तो नहीं लिखा कि ये कोई परमानेंट वमेंट नहीं तो चलो ये भी आप गलत कर सकते हैं पर ये सही बात है स्टेटमेंट सही है पर पैसेज के हिसाब से नहीं अगेन इनकम पोवर्टी रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो ये भी आपको सही लगेगा बट देखो ये ज़्यादा करेक्ट है अलग ही दिख रहा है कि इट टॉक्स ओनली वन इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन इन इग्नोरिंग ऑल अदर्स ये तो हम बात कर रहे थे कि इनकम पोवर्टी जो होती है वो सिर्फ एक टाइप के डिप्रिवेशन की बात करता है अदर्स को वो इग्नोर कर देता है तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो रहा था नेक्स्ट वा वॉट डज द ऑथर मीन बाय पोवर्टी ऑफ अ लाइफ ठीक है ना अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गलत स्टेटमेंट कि इन पोअर आई स्टे, स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन यार ऐसे रूरल अर्बन एरियाज़ की तो बात ही नहीं करी पैसेज में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज दाए, इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टैंड इसकी भी कहीं पैसेज में बात नहीं करी

रिवॉल्व हो रहे थे एक स्टेटमेंट के रिवॉल्व भी आपके तीनों आंसर सॉल्व हो गए ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं ये भी बहुत जस्ट अ मोमेंट हाँ देखो ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना भले इस पर टाइम लगाना पॉज द वीडियो रीड दिस पैसेज क्योंकि इससे तीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सो so, ये पैसेज पहले पढ़ लो पॉज करके 21, 22, 23 इन तीनों का ये जो पैसेज है यही है ठीक है सॉल्व द क्वेश्चन आई होप आपने सॉल्व करा होगा तो चलो अब मैं चलता हूँ सोल्यूशन की तरफ ठीक है अब देखो पैसेज क्या बोलना चाह रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल्स है ना जैसे कि राइस वीट ये प्लेट्यू कर चुके हैं टाइप से क्योंकि जिससे आपसे अगर टेम्परेचर आगे जाके बढ़ता जाएगा ना तो इनको उगाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर बात करी गई है कि हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज में सब टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है पर टेक्नोलॉजी नो यूज़ रखती है अगर उसको अडैप्ट ना करा जाए अच्छे से फिर डेवलपिंग वर्ल्ड की कुछ दिक्कतें बताइए कि यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर उतना यूज़ करें जितनी ज़रूरत है और हम रोड एंड शॉर्टेज में भी ध्यान दें ताकि हम वेस्ट रिड्यूस कर पाए ठीक है ये पैसेज कह रहा है मैंने जल्दी से आपको एक समराइज़ कर दिया ठीक है अब देखो ये तीनों ही क्वेश्चन अजम्पन के थे मतलब भाई साहब एक पैसेज तीन अजम्पन के क्वेश्चन एक ही पैसेज से मतलब एक बार में इनने पूरी भरपूर कर ली ठीक है ना फैंसी वर्ड्स हमारे अजम्पन मतलब क्या अज्यूम करके राइटर ने पैसेज लिखा होगा थोड़ी सी ब्रॉड थिंकिंग रखेंगे ठीक है थीके? नाउ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप कंट्रीज यार ध्यान से पढ़ो एवा ध्यान से पढ़ो क्या कहीं पे पैसेज में ये लिखा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के पास है इनने बोला कि टेक्नोलॉजी अगर अडैप्ट नहीं करी जाए तो दिक्कत है पर डेवलपिंग वर्ल्ड के पास भी तो है टेक्नोलॉजी तो ये ध्यान से पढ़ो ये गलत स्टेटमेंट हो रहा था ठीक है नेक्स्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज भाई नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट कहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करी जाती यहां पे देखो यही करते हैं ये लोग यहाँ पे इसने इनने यहां पे इस पर फोकस करा हुआ है कि टेक्नोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसको ना करा जाए और इसी के जस्ट बाद डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करी गई है तो लोगों को लगेगा हाँ भाई ये कहा तो था कि टेक्नोलॉजी अडैप्ट मतलब हो गया सत्यानाश क्योंकि इनने बस एक टर्म लिखा और लोगों ने सोच लिया होगा हाँ यार डेवलपिंग दे, वर्ल्ड में अडेप्ट होती होंगी भाई गलत ठीक है ना नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट एंड इट इज़ रॉन्ग सो so यहाँ पे नीदर वन नॉट टू तो इसका आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ सो so यहाँ पे अगेन अजम्शन पूछा है तो पहला क्या बोला गया पुअर कंट्री नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स ये यही तो बोला गया है कि हमें कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है तो ये चीज तो चलो सही है नेक्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट लेस फूड चलो भाई ये तो हम कह सकते हैं कि उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है बट ये कहाँ लिखा है कि वो लेस फूड वेस्ट करते हैं अगर आप एक जनरल वे में सोचोगे ना वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा फूड वेस्ट करती है ठीक है ना चलो छोड़ो पैसेज में भी नहीं था तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो रहा था नेक्स्ट अगेन अजम्पन क्वेश्चन सो यहाँ पे ग्रोइंग इन फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि भाई हाँ आगे जाके चैलेंज तो होगी क्योंकि दिक्कतें हो जाएंगी ना यहाँ बोला भी क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो अनसस्टेनेबल हो जाएगा फार्मिंग करना ठीक है नेक्स्ट कॉरपोरेट फार्मिंग इज अ वाइबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज भाई ऐसा कहीं पैसेज में नहीं लिखा पहली बात तो लॉजिक लगाओ कारपोरेट फार्मिंग बिल्कुल अगर हम पुअर कंट्रीज में इंट्रोड्यूस कर दिए ना तो कॉरपोरेट प्रॉफ़िट मोटिव के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन कर देंगे इनका एग्जाम्पल दो अफ्रीका और जो यूरोपियन कंट्रीज कर रही है अफ्रीका की अभी भी कुछ कंट्रीज में ठीक है ना तो पढ़ लेना जिसको नहीं पता इसके बारे में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सो so, इसका आंसर यहाँ पे ए हो रहा था ठीक है चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं आई गेस द लास्ट फोर क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व टुडे सो अगेन देखो इस पैसेज को प्लीज़ ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे तीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ठीक है ना बढ़िया डार्विन की थ्योरी आपको पता चल जाएगी सो रीड दिस पैसेज सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी टू और फिर जब सॉल्व हो जाए तो थर्टी थ्री भी पहले चलो ये कर लो सॉल्व अगेन आई एम रिज्यूमिंग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो ठीक है चलो आपने कर लिया होगा अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चल रहा हूं सो so, देखो डार्विन थ्योरी की बात करी गई है बहुत सारी चीजें लिखी है इसमें कि एक्सटेंड हो जाती है स्पीशीज पर बाद में हमें पता चला कि जो एक्सटेंड होती है स्पीशीज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है नेचुरल फिनोमिना भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं ठीक है ना इसमें अब देखो पढ़ा होगा आपने अब मैं पहले सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ अब यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू पैसेज नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट ऑन द अर्थ एस स्पीशीज नॉट फुली प्रिपेयर टू फेस द एनवायरमेंटेड चैलेंजेस दैट अवेड दैम विल फेस एक्सटेंशन हाँ क्योंकि स्पीशीज़ कभी भी, भी प्रिपेयर नहीं हो सकती ना देखो यहाँ पे लिखा भी था कि कोई भी स्पीशीज फुली प्रिपेयर हो ही नहीं सकती तो ये तो सीधा सीधा पैसेज में था तो ये आला तो चलो सही हो रहा था ठीक है अब पता गलत कहाँ हो रहा था कि ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीशीज वुड वुड गेट एक्सटेंड एज द जीनोम विल नॉट विडस्टेंड बायोलॉजिकल मिश मिश एप्स अब देखो पहली बात तो ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ ये होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने बताया था ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं कि सारी स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाएगी भाई एक भी नहीं बचेगी अगर एक भी बच गई और आपको क्या पता अगर एक्सटेंट हो जाएगी तो आप बताओगे क्या बची या नहीं बची तो गलत हो रहा था आंसर आपका एलिमिनेशन से आ रहा था बट स्टिल हम देख लेते हैं अगर पैटर्न चेंज हो गया तो हमें पता होना चाहिए तो इन एबिलिटी ऑफ जिनम टू विस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस वुड रिजल्ट इन एक्सटेंशन पैसेज में सीधा सीधा लिखा है एक्सटेंशन ऑफ स्पीश एस कॉमन फीचर ये भी पैसेज में सीधा सीधा लिखा है ये देखो एक मेजर फीचर है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज तो आपका आंसर यहां पे आ रहा था वन थ्री फोर राइट उसके बाद अगेन द पैसेज सजेस्टेड डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल बिकॉज बोला गया कि थ्योरी नहीं है क्यों पहला देखते हैं कि इट नॉट द द्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रीन ऐसा नहीं है देखो पे इसका एक मेंशन कर दिया गया और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है पर ध्यान से पढ़ो कि ये 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 जो है फील करती है फेल करती एड्रेस करना तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया था ठीक है ना एक्सटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट असोल्टस यही बोला गया है कि थ्योरी तो है ही बट ये एक एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट भी है इसलिए ये इस सब चीजें होती है एक्सटेंशन होती रहती है स्पीसीज की तो ये यह आंसर यहाँ पे सही हो रहा था गलत स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं इनका एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है कि देर इज नो एविडेंस टू रिफ्यूज़ इट गलत एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो रहा था कि नो एविडेंस ठीक है अगेन एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिएटर ये तो मतलब एक टाइप से क्रिएशनलिस्ट डॉक्टरिन को अच्छा मानने के वाली बात हो रही है जो कि मैं नहीं बोल रहा सही गलत है बट पैसेज के हिसाब से नहीं जा रहा था तो ये गलत हो रहा था आंसर सीधा सीधा इसका यहाँ पे बी आ रहा था ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार सो so, यहाँ पे पूछा गया अजम्पशन क्या है अब देखो

कर रही है बट पैसेज में ऐसा नहीं लिखा था तो हम इसको गलत मानेंगे ठीक है अगेन डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फिनोमिना अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है तो इसका आंसर यहां पे ए आ रहा था ठीक है लास्ट पैसेज यू नीड टू सॉल्व चलो यो क्वेश्चन है यहां से यहां तक एक बार पॉज करके इसको रीड करिए और फिर थर्टी फोर क्वेश्चन को सॉल्व करिए लास्ट क्वेश्चन है आज का पॉज द वीडियो एंड रीड आई होप आपने सोल्व करा होगा चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं देखो यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी गई है अब देखो कैसे कन्फ्यूज़ करा जाता है इस पैसेज में आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या बताया मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है इनकम बढ़ रही है मतलब उनकी प्रोटीन बेस्ड डाइट बढ़ रही है प्रोटीन बेस्ड डाइट बढ़ रही है मतलब फ़िश मीट और इस सब चीज़ों की वजह से वाटर का कंजम्पशन बढ़ रहा है ठीक है तो मेन फोकस क्या है वाटर अगेन बोला गया कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स बढ़ रही है फोन्स और इनके स्मार्टफोन के यूसेज और इसको चलाने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनाने के लिए भी पानी चाहिए रहता है मतलब सार क्या हुआ पानी पानी पे मेन फोकस है ये चीज़ याद रखना अब आपको देखो कंफ्यूज कैसे करा जाता है कि क्रक्स पूछा गया है बेस्ट रिफ्रेक्स द क्रक्स ठीक है पीपल शुड बी परसुएडेड नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट जब भी बोला जाए ना लोगों को परसुएट कर देना चाहिए कि यही करो तो गलत होता है टू कंटिन्यू विद मेनली ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट गलत भाई नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट ये कोई सोल्यूशन होता है क्या मतलब ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है पैसेज में जैसे आप बोल भी नहीं सकते अगेन इंडिया नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन द कमिंग इंस अब देखो कैसे आपको कन्फ्यूज करा जाता है इसमें क्या बोला कि प्रोटीन बेस्ड राइट बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो आपको लगेगा हाँ यार कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसमें कर दे तो ये पर खुद सोचो कि पैसेज क्या इसी के ऊपर है कि पैसेज का मेन था वाटर भाई पानी की ज्यादा जरूरत रहेगी ठीक है अगेन देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल कहाँ लिखा है पैसेज में ठीक है ना खुद से अजीमत करना यहाँ पे अजमशन नहीं पूछा बिल्कुल भी ठीक है ना तो या स्टेटमेंट देखो कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर ये पानी पानी ही तो मेन फोकस था देख रहे हो कितने ईजी हो जाते हैं अगर आप ढंग से पैसेज पढ़ते हो तो तो आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व करे होंगे साथ में एंड धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन सही रहते हैं मतलब स्टेटमेंट uh, सही रहते हैं कैसे गलत रहते हैं दिस वॉज लेक्चर नंबर फाइव लेक्चर नंबर सिक्स में वी विल कंप्लीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बाय द एंड ऑफ एट लेक्चर हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री भी कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑट सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट सो पेशेंटली एंड आई सी यू द नेक्स्ट टाइम